हाल ही में कांग्रेस कमेटी छतरपुर ने नवागत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल को बनाया है और आज वह कांग्रेस के कार्यालय में आए हैं, जहां पर एक बैठक हुई है और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव है तो उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से वह कार्य करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस तरह से कार्य करेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी आपके द्वारा? अब मेरे द्वारा तो यह रणनीति तैयार की जाएगी कि हमारी जिला छतरपुर की 6 में 6 विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाए और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बने। इतने कम समय पहले विधानसभा चुनाव के पहले आपको बनाया गया है अध्यक्ष, तो फिर किस तरह से आप तैयारी करेंगे, कम समय बचा है? समय कम अभी नहीं है, मैं सन 2012 से किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता रहा और आज सभी जिला में सभी कार्यकर्ताओं से परिचय हूँ। मैं कोई नया नहीं हूँ, सिर्फ मुझे जाने की ज़रूरत है और सभी का मुझे प्यार मिल रहा है और इस पार्टी को समर्थन भी है और पूरी ताकत से हमारा कार्यकर्ता इस बार लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव निश्चित कांग्रेस जीतेगी, 6 में 6 विधानसभा कांग्रेस की जीतना तय है। किस तरह से जनता के बीच में आप जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में विधानसभा चुनाव के, क्या विजन रहेगा? क्या है मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपने देश में प्रदेश में महंगाई मुख्य मुद्दा है और ये फालतू की घोषणाएं करना, काम कुछ नहीं करना, और आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की जो लहर है वो जैसी भाजपा में मोदी जी की थी ना, उसी प्रकार से कमलनाथ जी की लहर है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सरकार बनना तो तय है, टिकट किसी को मिले वो प्रत्याशी हमारा हाथ का पंजा होगा। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से समन्वय रहेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आपसी में कैसे समन्वय बनाएंगे आप, तालमेल रहेगा? हमारी कांग्रेस पार्टी में समन्वय है ना, कभी खराब हुआ है और ना होने देंगे। हमारी जो पिछली कार्यकारिणी अभी वर्तमान में है वो यथावत रखी जाएगी और आगे हर विधानसभा में 10-10 जिला के पदाधिकारी बनाए जाएंगे और ना कहीं कोई विरोध है ना कोई दिक्कत है, काम करना सिर्फ मेरा काम है। हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी कुछ नहीं है। जो पूर्व के आपके जिला अध्यक्ष हैं लखन पटेल और कई कार्यकर्ता हैं, तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, तीनों विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष का कोई समन्वय नहीं था, तालमेल नहीं था, इसी वजह से लोग ये भी कहते हैं कि उनको बदला गया है। अब आप किस तरह से तालमेल बनाएंगे? हमारे जिला छतरपुर में जिला अध्यक्ष बदला नहीं गया, उनका प्रमोशन किया गया। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे बड़े भाई लखनलाल पटेल जी हैं, वो मध्य प्रदेश में महामंत्री बनाए गए और मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व उन्हीं लोगों ने सौंपा, वो हमारे वरिष्ठ हैं और सभी वरिष्ठजनों का बहुत बहुत आभार। जो पुरानी कार्यकारिणी है और कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ता नाराज हैं लखन पटेल को जिला अध्यक्ष बदलने से, तो किस तरह से उनको मनाएंगे, एक समन्वय बनाएंगे, मुझे बगावत भी कर सकते हैं वो लोग, ऐसा सुनने में आया है? मुझे तो ऐसा नहीं है कि कोई बगावत करेगा ना कोई अलग है, लखनलाल जी हमारे बड़े भाई थे, मैं छोटा हूँ, उनने जो कार्यकारिणी बनाई वो मेरी ही कार्यकारिणी थी, हमारे कांग्रेस परिवार की कार्यकारिणी थी, कोई अलग थोड़ी है, ना कोई बगावत करेंगे ना करने की कोई स्थिति है। जो अभी आपकी छतरपुर विधानसभा से जो बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, डीलमणि सिंह बब्बू राजा, और पिछले चुनाव में उन्होंने आपकी कांग्रेस के विधायक का समर्थन किया था, लेकिन अब वो बगावत कर गए हैं, ऐसे और भी कार्यकर्ता बगावत कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, किस रूप से आप देखते हैं इनको भी? हमारी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा वो कांग्रेस से अलग कभी नहीं होता, दिल में कांग्रेस है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी अलग हुआ है। आदरणीय हमारे बब्बू राजा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनकी मंशा व्यक्तिगत तौर पर उनकी मंशा है, उसमें तो कोई हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, कांग्रेस का साथ देगा, सरकार बनने के लिए तैयार है, ऐसे समय में कभी साथ नहीं छोड़ता कोई, जी तय है। जो आपका कांग्रेस कार्यालय है वहाँ हमेशा ताला लटका रहता है, उसमें कार्यकर्ता भी नहीं आते हैं और पदाधिकारी भी नहीं आते, तो अब कैसा रहेगा यहाँ पर, विधानसभा चुनाव भी है नज़दीक और यहाँ का ताला नहीं लगेगा भाई साहब, यहाँ का ताला पूरे दिन खुला मिलेगा और ऐसी हम लोग बैठ के व्यवस्था बना रहे हैं और हमारे आदरणीय शर्मन लाल मिश्रा जी हैं,
वो हमारे वरिष्ठ हैं, वो यहीं पर हैं, वो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं। जितने समय उनको बुलाओ वो हाजिर रहते हैं, और ऐसे आदरणीयों को मैं नमन करता हूँ। और हमारे ताला लगने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 2 महीना तक कोई ताला ना लगे, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर दिन में रहेगा और मैं स्वयं रहूँगा। आज मीटिंग रखी गई, आपके कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे, जिला के प्रभारी भी, किन मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा की गई आज? आज जो बैठक थी वो मुख्य रूप से कार्यकारिणी जो जिला की है, संपूर्ण ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे विंग्स के अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ जन पधारे और मुझे एक शपथ के रूप में कह लें, इसलिए बैठक रखी गई थी। और आगे इसका कार्यक्रम बना, जो बनेगा उसमें हम लोग ताकत से काम करेंगे, सभी बिलों की बैठक करेंगे, ऐसा हमारे लोगों का विचार है। कार्यकारिणी क्या चुनाव के पहले आप पूरी नई टीम तैयार करेंगे, जो पुरानी टीम है वो ही काम करेगी? जी, तो मैं आपको आश्वस्त कर चुका हूँ कि जो पुरानी कार्यकारिणी है, जो वर्तमान में पुरानी नहीं कहेंगे उसको, जो वर्तमान में कार्यकारिणी है वो यथावत रहेगी। हम लोगों को प्लस करने की ज़रूरत है, वो तो हमारे ही लोग हैं ना। हाँ, जो अगर कोई उभर के आता है कि नहीं मुझे भी चाहिए पद, तो वो हम लोग उसका विस्तार करेंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, आप अध्यक्ष बने हैं, आखिरी सवाल है? मेरा सभी जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, सभी हमारे जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, यह लड़ाई अपने नीत और अनीत के बीच है, और सभी से विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस का साथ दें और सभी अपनी अपनी जगह डट के मेहनत करें। 2 माह का काम है और इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज कराएं, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। इसी प्रकार से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नवागत जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया है कि जो छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस की ही जीत होगी, और उनने तमाम बिंदुओं को लेकर हमसे चर्चा की है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।